निराला नगर में भाजपा की बैठक का आज दूसरा दिन, भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आज दूसरा दिन है, पार्षदों के साथ संगठन मंत्री की बैठक का आज दूसरा दिन था। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ आज हुई बैठक का दूसरा दिन था। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था, जहां सभी पार्षद इस बैठक में मौजूद रहे। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ के पार्षद और महापौर इस बैठक में मौजूद रहे। 2024 की तैयारी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। निराला नगर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आज दूसरा दिन। हमीरपुर में 60 वर्षीय महिला ने नदी में लगाई छलांग। 60 वर्षीय महिला ने नदी में छलांग लगाई है। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या की है। महिला ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते महिला ने घटना को अंजाम दिया है। मछुआरों ने नदी से महिला के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पुल का ये पूरा मामला बताया गया है। और आपको बताते चले कि सदर कोतवाली क्षेत्र के पुल का ये पूरा मामला है, जहां 60 वर्षीय महिला ने नदी में छलांग लगाई है। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में हुआ पटाखा विस्फोट का मामला। हमीरपुर में हुए पटाखा विस्फोट मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पटाखा विस्फोट से नहीं हुआ था हादसा। पटाखा विस्फोट की वजह से यह हादसा नहीं हुआ था। फ्रिज का कंप्रेसर फटने से यह हादसा हुआ था। तो फ्रिज का कंप्रेसर फटने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ था। इस हादसे में एक व्यक्ति हुआ था घायल। इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। वही सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का पूरा मामला बताया गया, जहां पर पटाखा विस्फोट मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां फ्रिज का कंप्रेसर फटने से यह हादसा हुआ था, जबकि कोई पटाखा विस्फोट नहीं हुआ था। हरदोई में बारूद में विस्फोट से एक युवक और दो बच्चे हुए घायल। बारूद में विस्फोट से एक युवक और दो बच्चों के घायल होने की खबर है। विस्फोट की चपेट में दो अन्य बच्चे भी हुए घायल। विस्फोट की चपेट में आने से दो अन्य बच्चों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को शाहजहांपुर किया गया रेफर। इस पूरे हादसे में एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। बारूद में विस्फोट होने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। तो इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बारूद में विस्फोट से एक युवक और दो बच्चों के घायल होने की खबर है। कानपुर में फर्जी टैक्स इंस्पेक्टर बन ठगी करने वाली महिला हुई गिरफ्तार। फर्जी इंस्पेक्टर बन ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। खुद को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताकर रौब जमाती थी, लोगों से पैसे भी ऐंठती थी, 4 लोगों से शादी भी पहले रचा चुकी है। वही अब इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ठग सविता शास्त्री को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। सोने के ठगों को लोगों ने पकड़ा है। खबर लखनऊ से है, जहां सोने के ठगों को लोगों ने पकड़ लिया है। बद्री प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान से ठगी की गई थी। बद्री प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान से की गई ठगी। आपको बता दें कि नकली सोना देकर 6 लाख की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नकदी लेकर भाग रहा था गिरोह, तो नकदी लेकर गिरोह भाग रहा था, उस गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बड़ी सफलता हासिल की है। 3 साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले लोगों ने किया है। 3 साथियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। थाना गोमती नगर विस्तार की पूरी घटना बताई गई है, जहां शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सोने के ठगों को लोगों ने पकड़ते हुए पुलिस को सौंप दिया है। इस दौरान गिरोह के 3 आरोपियों को सौंपा गया है। अमित यादव, वो कहां रहा था? वो इधर रहा था, हजरत के साइड में। अच्छा, उनके पिताजी के क्या नाम है? उनके पिताजी घर वो बनवावत कहाँ से है? ये सब हमें नहीं पता है, वो हमें लगे थे। यहाँ कई चक्कर रख गए? यहाँ 4 चक्कर रख चुके। रुक जा, हम गलत रहा। कई चक्कर? 4 बार यहाँ रखे गए। कतरे कतरे पे रख गए? एक बार 260 के रखे गए ना, एक बार 260 का बार 2,60,000। 2,60,000 का पहली बार रख गए? नहीं, हाँ दूसरी या तीसरी बार में। पहली बार में कतरा रखे? 60,000 का।
फिर में 65,000 के, फिर में 2,60,000 के, फिर 1,11,000 और बस अतरे के सामान को यहाँ रख गए हो। तो ये सामान तुम्हें जब पता रहा कि गलत है तब तू कहे यहाँ? हाँ, मैं नहीं पता रहा भैया कि क्या का पता है। अमित यादव का पता है कि सामान जैसे उसे अमित यादव रखावा दो तो तू उनसे नहीं पूछी कि सामान है। संबल में दो पक्षों में हुआ था विवाद, खबर संबल से है जहां दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस पूरे मसले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, दो पक्षों के विवाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, खबर संबल से है। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस ने फरार चल रहे तीन लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। फरार चल रहे तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संबल की हयात नगर पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन। जानलेवा हुए हमले में तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो जानलेवा हमले में दो पक्षों में विवाद भी हुआ था, इस पर तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटे पुलिस। हयातनगर थाना क्षेत्र के हसनपुर मुस्फता का ये पूरा मामला बताया गया जहां दो पक्षों में हुए विवाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना हयातनगर के ग्राम हसनपुर मुंजफ्ता में एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद, कहासुनी और मारपीट की घटना कारित हुई है। दोनों ही पक्ष लिंटर डालने की का कार्य करते हैं एवं उनमें मिक्सर मशीन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला किया गया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई थी। इस संदर्भ में मजरूह की तहरीर के आधार पर तत्काल ही थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही तीन नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।